एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस भेजा, ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा पर 3 दिन में जवाब देने को कहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी का संसद कूच रद्द किया, 26 जनवरी की हिंसा के लिए दीप सिद्धू और सतनाम पन्नू के संगठन को जिम्मेदार ठहराया, दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान, कहा दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, लाल किले पर कोई कैसे पहुंच गया, पंजाब को देश से अलग करने की साजिश थी। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर किसान नेताओं ने सरकार पर जड़ा आरोप, बोले किसान परेड सरकारी साजिश का शिकार हुई, दीप सिद्धू आरएसएस का आदमी। दीप सिद्धू पर एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी नेता तरुण राठी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी से दीप का कोई संबंध नहीं, वो सनी देओल के साथ अमित शाह से मिलने गए थे, ये उनके लिए बस एक फोटो ऑप थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, ट्रैक्टर रैली के दौरान जख्मी हुए हैं 394 पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा का अक्षरधाम का वीडियो जारी किया, पुलिस से झड़प करते दिखे आंदोलनकारी, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस की गोली। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट, डीएम सिंह और भानुकुट ने आंदोलन से खुद को अलग किया, डीएम सिंह का आरोप मोर्चे के दौरान अलग रूट पर चलना चाहते थे टिकैत। किसान नेता वीएम सिंह के आंदोलन से हटने की घोषणा का गाजीपुर बॉर्डर में जमकर विरोध हुआ, वीएम सिंह के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की, कहा जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वीएम सिंह पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने बड़ा हमला बोला, कहा जो आंदोलन छोड़ रहे हैं उन्होंने ही दिल्ली में हिंसा करवाई। किसान मोर्चा ने कहा आंदोलन को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं, किसान आंदोलन को झटका लगा है, हम आत्मचिंतन करेंगे। किसान आंदोलन के चलते करीब 2 महीने से बंद चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही अब सामान्य हुई, भानु प्रताप सिंह गुट ने आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद बॉर्डर खाली किया। दिल्ली में हुए घमासान पर राजनीति गरमाई, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा सोची समझी साजिश के तहत फैलाई गई हिंसा, गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कांग्रेस पर जवाबी हमला, कहा कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, राहुल गांधी लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में हिंसा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा जो किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, वो अराजकता चाहते थे। लाल किला पर झंडा फहराने को लेकर अकाली दल ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुटी थी सरकार, अपने मंसूबों में कामयाब भी हुई। हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, कई दिनों से चल रहे धरने को खत्म करवाया। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर दिखा किसानों का भारी जमावड़ा, ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के बाद घर लौट रहे हैं किसान। किसानों के समर्थन में INLD के विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, ट्रैक्टर चलाकर इस्तीफा देने विधानसभा पहुंचे थे चौटाला। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर दिल्ली में हिंसा फैलाने का आरोप, हिंसा से पहले किसानों को भड़काते सिद्धू का वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने दीप सिद्धू पर बीजेपी कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया, दावा किया गया बीजेपी ने दीप सिद्धू के जरिए हिंसा भड़काई। लाल किले में बच्चों के 3 घंटे तक फंसे रहने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट पर हरकत में आया, पुलिस ने 48 घंटे से जवाब मांगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान मरने वाले किसान पर यूपी पुलिस का दावा, कहा किसान के शव का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई, ट्रैक्टर पलटने से चोट लगने के कारण हुई मौत। परिवहन पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज अहम बैठक, लाल किला की घटना पर चर्चा की हो सकती है मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का आज दूसरा दिन, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी ममता सरकार, अब तक 5 गैर बीजेपी शासित राज्य प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, आज आरामबाग और रिश्रा में करेंगे रैली।
बंगाल में बीजेपी नेता मफूजा खातून के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा अल्पसंख्यक कार्यकर्ता आज बीजेपी में होंगे शामिल। हुगली के चुचुरा में दोपहर 3 बजे बड़ी सभा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज। सीएम पलानीसामी ने चेन्नई के मरीना बीच में पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक का उद्घाटन किया। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फिर निशाने पर लिया। कहा पीएम मोदी ने देश को कमजोर किया है। भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में जुटी एनसीपी। आज शुरू करेगी एनसीपी परिवार संवाद यात्रा। 17 दिनों का होगा पहला चरण। राजस्थान के 20 जिलों में 90 निकायों में मतदान आज। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 9930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन डावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे संबोधन है। एमपी के देवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में किसान ने आत्महत्या की कोशिश की। सीएम से मिलने से रोकने पर नाराज हुआ। प्रशासन की ओर से जबरन ट्रैक्टर जब्त करने की शिकायत लेकर पहुंचा था। यूपी के बलिया में दिशा की बैठक में हंगामा। विधायक और मंत्री बैठक छोड़कर भाग गए। सांसद वीरेंद्र सिंह पर लगाया बेवजह अपने लोगों को बैठाने का आरोप। वीरेंद्र सिंह बोले गलत काम के लिए दबाव बना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।